तो हे गाइस यार, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट रेसिंग गेम्स फॉर एंड्रॉयड। और यार जो मैं गेम्स आप सभी को बताने वाला हूँ यार, वो गेम्स के जो ग्राफिक्स हैं यार वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हाई ग्राफिक्स वाले गेम मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यार। तो चलो लेट्स बिगिन। यार टॉप 5 पे आता है ड्राइव जोन ऑनलाइन। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ओपी है और इसकी जो साइज़ है आपको 2.8 GB में मिल जाएगी। और देखो यार, ये गेम में जो इसकी ग्राफिक्स है यार बहुत ही ज़्यादा हाई है। समझ लो जैसे GTA 5 जैसा फील आएगा आप सबको खेलने में। बहुत ही ज़्यादा ओपी ग्राफिक्स है यार। इसको एक बार डाउनलोड करो और इसको खेलो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। और यार चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट गेम तो इससे भी ज़्यादा ओपी है। तो जो गाइस जो नंबर 4 पे आते हैं यार, उस गेम का नाम है ओपन वर्ल्ड रेसिंग, जिसको हम OWRC भी कहते हैं यार। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार। मैंने आपको इसका साइज़ भी बता दिया गया है। इसका साइज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पर यार देखो मैंने पहले क्या कहा था कि मैं किसी अल्लू जल्लू गेम्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो 300 से 400 से 500 MB के बीच में होते हैं। पर यार सारे गेम इतने साइज़ के अल्लू जल्लू नहीं होते यार, बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार। इसकी ग्राफिक्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यार। पता है इसका गेम प्ले ना यार बहुत ही ज़्यादा आप सभी को ओपी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये ओपी गेम है ही यार। एक बार इसको डाउनलोड करके देखो, इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खेल सकते हो, ठीक ना। पर बहुत ही ज़्यादा ओपी गेम है यार, ठीक ना। इसकी हाई ग्राफिक्स, और ये एंड्रॉयड में भी चलता है और ये iOS में भी आराम से ही चल जाएगा। हाँ, पर एक चीज़ आपको वो करना है कि आप मिनिमम आपका 2 GB RAM होना चाहिए इस गेम को चलाने के लिए, तभी आप इस गेम को खेल पाएंगे गाइस। अगर आपके पास 2 GB RAM नहीं है तब आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे गाइस। तो चलो यार अब नेक्स्ट गेम की और बात करते हैं, क्योंकि देखो यार नेक्स्ट गेम इससे भी ज़्यादा ओपी होने वाले हैं। तो चलो यार अब हम लोग नेक्स्ट गेम की बात करते हैं। गाइस जो गेम नंबर 3 पे आता है वो फ्यूरियस हीट रेसिंग है यार। इस गेम की साइज 300 MB और ये ऑनलाइन है। तो देख रहे हो यार गेम बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार। इसकी ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ग्राफिक्स देखो ये हाई ग्राफिक्स है और ज़्यादातर आपको इसको नाइट में खेलने को मिलेगा, मतलब नाइट मोड इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। चूँकि बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है यार, मतलब ज़्यादातर गेम्स में तो मतलब डे का ही रहता है, पर देखो यार इस वाले में आप नाइट में भी खेल सकते हो। तो समझ लो कितना ज़्यादा ओपी होगा यार इसका एक्सपीरियंस, आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स यार। तो समझ लाओ यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम होने वाला ये। और देखो इस गेम को मैंने नंबर 3 पे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यार एक तो इसका साइज़ जो है वो 300 MB है, ऊपर से आप इसे ऑनलाइन मोड में आप इसे खेल सकते हैं, और इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो कि बहुत ही कम गेम्स में आपको मिलता है, और ज़्यादातर इसमें नाइट मोड भी। और हाँ एक बार ध्यान रहे, इसमें नीड फॉर स्पीड जैसा एक चीज़ है जिसमें पुलिस आपकी पीछा करने लगती है अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो। तो चलो यार हम लोग लिस्ट के दूसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस नंबर 2 पे आता है हमारा रेसिंग मास्टर यार। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ओपी है, इसका साइज 3 GB है, उसे आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। पर एक बुरी बात है यार कि इसे नेटिस गेम्स ने लॉन्च किया जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, तो यार इसे आप नहीं खेल सकते। इसे आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा तभी आप इस गेम को खेल पाओगे यार। इस गेम में बहुत ही अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स है 3 GB के, तो हाई ग्राफिक्स तो होना बनता ही है यार, ठीक ना। मतलब रेसिंग गेम खेलोगे तो आपको लगेगा कि मैं GTA 5 में गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ही स्मूथ एक्सपीरियंस होता है यार इसमें गेम खेलने का। तो यार आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि कितना मस्त गेम है यार। इसका गेम प्ले आप लोग देख के बहुत चक्के रह जाओगे। तो चलो यार अब हम लोग टॉप 1 की ओर बढ़ते हैं यार, क्योंकि टॉप 1 पे जो गेम है ना यार सारे रेसिंग गेम का एक तरफ से बाप है। तो चलो यार बढ़ते हैं गाइस। टॉप 1 पे जो गेम आता है यार, ये गेम बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार। इसकी हाई ग्राफिक्स है यार, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा जैसे कि GTA 5 या Cyberpunk 2077 में जैसे इसकी ग्राफिक्स होती है वैसी है, और देख रहे हो यार पूरा एकदम रेसिंग गेम जैसा है। तो यार इसके में ग्राफिक्स इतनी ज़्यादा हाई है यार कि आपको फ़ोन में खेलोगे तो आपको लगेगा यार मैं PS5 में खेल रहा हूँ। अमेजिंग ग्राफिक्स है यार इसकी। और देखो यार इसमें एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक होता है, पर एक बात है यार इस गेम में कम से कम आपको मिनिमम 4 GB RAM चाहिए होगा, मिनिमम 4 GB RAM। और अगर 4 GB RAM में भी अगर ये गेम लैग करते हैं तो यार आपको 6 GB RAM तो यार फ़ोन के हिसाब से रखना चाहिए। इस प्रोसेसर भी इसके लिए अच्छा होना चाहिए फ़ोन का, तभी आप इसको खेल सकते हो। ये सारे फ़ोन्स के लिए नहीं है यार, मतलब कुछ ही फ़ोन्स में आप इसे खेल सकते हैं, क्योंकि सारे फ़ोन्स इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं होते, उनमें पावर नहीं होती ऐसे ऐसे गेम्स को चलाने की। ये है हमारा गियर क्लब स्ट्रैडल गाइस। तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा
अच्छा गेम है यार। तो चलो यार, इसी के साथ हमारा वीडियो ओवर होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर देखो यार वीडियो पे नए आए हो ना यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पर उससे पहले यार मैं आप सभी को इसका गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ। गेम प्ले दिखाने से पहले मैं इसका आपको स्टोरी बता देता हूँ। देखो यार, ये जो गियर क्लब स्ट्रैडल वाला गेम है ना, इसमें आप वैकेशन पे आए होते हो, जिसमें आपको मनपसंद वाले कार आप चला सकते हो। तो देखो यार, अब मैं आपको इसके गेम प्ले को दिखा दे रहा हूँ। इस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ यार शेयर करना मत भूलना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।